लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर का समय तय किया गया था, लेकिन एक दिन पहले ही लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट तक चली है। वर्क प्रोडक्टिविटी 74% रही। चर्चा के बाद 18 सरकारी विधेयक पास हुए हैं। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए। उधर राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल बिलों पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पर चर्चा की गई है। इसमें अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।